कोरोना पूरे विश्व में कहर बनकर उभरा है। एक तरफ कोरोना वायरस बड़े देशों को बौना साबित कर रहा है, तो इसी बीच छोटे देश काफी हद तक कोरोना पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ गरीब और कम आर्थिक संपन्न देश काफी मुश्किल में है, जिनके पास इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए ना ही पैसा है और ना ही साजो सामान। ठीक इसी तरह पाकिस्तान देश है, जिसके पास ना ही पैसा है, ना ही सामान और ना ही ताकत जो इस खतरनाक होते कोरोना वायरस से लड़ सके। इसलिए अब पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की मदद दी, लेकिन दूसरी मदद देने से इनकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुद्रा कोष के मापदंडों को लागू करने में देरी कर रहा है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि पिछले साल IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 साल के अंदर 6 अरब रुपए देने का समझौता किया था, लेकिन दूसरी किश्त को देने से इनकार कर दिया है। IMF ने दूसरी राहत को देने से पहले समीक्षा की थी और उसके बाद पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया। अभी यही चल रहा है कि इसके साथ ही FATF की बैठक होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान के मामलों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि क्या आतंकियों को फंडिंग करने और रोक लगाने संबंधी कानून में पाकिस्तान कितना सफल हुआ। और ये बैठक जून में 20 से 26 तक FATF की होने वाली है। इस बैठक में सभी लोगों की नजर पाकिस्तान पर होगी और इस बैठक में ये समीक्षा होगी कि पाकिस्तान को ग्रे में रखा जाए या नहीं। FATF ने पाकिस्तान को 4 महीने की मोहलत देते हुए कहा था कि अगर पाक जून 2020 तक आतंकी गतिविधियों को कम नहीं करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और इमरान खान कैसे 3 तरफ से घिरे हुए हैं। एक तो पैसा नहीं, दूसरा कोरोना कहर बरपा रहा और तीसरा IMF पैसे नहीं दे रहा। अब इमरान खान के पास चौथा एक ही रास्ता है। देखना होगा कि वो रास्ता अपनाता है या अपने पद को छोड़ देता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।